हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं मैं राज त्रिभुवन आपको फिर एक बार द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताने आया हूँ नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज लेकिन इंग्लिश ग्रामर हमें क्यों अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्यों अच्छे से समझ लेना चाहिए इवन दो इट इज़ ओनली द पार्ट ऑफ द स्टडी लेकिन एक एंटायर स्टडी को कवर करने में हमारी मदद करता है पर्टिकुलरली सो फार आवर कॉम्प्रहेंशन इज कंसन नॉट ओनली द कॉम्प्रेंसिव पैसेजेस इन इंग्लिश सिर्फ अंग्रेजी के कॉम्प्रेंसिव पैसेजेस नहीं बल्कि अंग्रेजी के कॉम्प्रहेंसिव पैसेजेस के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं वो ज़्यादा आसान हो सकती है अगर हमारी भाषा हमें अच्छे से आती है तो तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ब्स के मॉडल्स को देखने जा रहे हैं ना मोडल्स जैसे एम ओ डी एल एस मॉडल्स का मतलब होता है मूड मॉडल ऑक्सिलरीज हम आज मॉडल ऑक्सिलरीज को लेकर बात करने वाले हैं और जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज को लेकर बात करेंगे तो दिस इज फंक्शनल थिंग एज सच यह बहुत ही ज्यादा फंक्शनल है मीस हमें फर्क करना पड़ेगा में में और मॉडल के इस्तेमाल को ले कर, को लेकर लेकर यूज़ हम सिर्फ़ देखते हैं काल देखते हैं कि बात कब हो रही है वेदर वी आर टॉकिंग ऑफ द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट और ऑफ द फ्यूचर हम भूतकाल की बात कर रहे हैं भूतकाल से जुड़ी हुई बातों की बात कर रहे हैं भूतकाल में बात कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में वर्तमान काल में बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं हमारे भविष्य काल को लेकर भविष्य की बातों को लेकर भविष्य की घटनाओं को लेकर भविष्य में की जाने वाली कृतियों को लेकर एक्शंस को लेकर यह पूरा का पूरा जो मामला होता है दैट इज ऑल रिलेटेड टू टेंसेस सो दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ टेंसेस ओनली जो तीन टेंसेस हम देखते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर और उसके जो चार और अंग देखते हैं हम ऑफ इच टेंस तो कुल मिलाकर वो बारह हो जाते हैं इसके अलावा आज जब हम जा रहे हैं मॉडल मोडल की तरफ तो मॉडल ऑक्जलरीज हमें भाषा सीखने में और ज्यादा मदद करती हैं नो चाहे आप न्यूज़पेपर रीड करें चाहे आप किसी का लेक्चर सुने चाहे आप खुद कुछ इंटरप्रिट करना चाहे चाहे आप कुछ खुद पढ़े तो इन सब बातों में आपको एक बात नज़र आएगी कि मॉडल ऑक्सलरीज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है अदरवाइज टेंसेज तो सिर्फ तीन होते हैं भाई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लेकिन मॉडल्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और ये वैरायटी हमें हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करती है फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही कहा था कि मॉडल uh, ऑक्सिलरीज बहुत ज्यादा फंक्शनल होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में इन एवरीडे स्टॉक नो डेली कॉन्वर्सेशन में भी हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल्स आर वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड नो कुछ मूड्स होते हैं हमारे देर आर मूड्स वी लिव विद द मूड्स नो हम हमारे मूड्स को लेकर जीते हैं यहां पर आपको बहुत सारे मूड्स देखने मिल जाएंगे नो मेनी फेसेस मेनी मूड्स इफ यू लुक एट दिस फेसेस नो यू कैन सी देयर मूड्स एंड आल्सो यू कैन सी द एटीट्यूड्स ये कुछ एटीट्यूड से भरे हुए चेहरे है लोग है उनके एक्शन है सो द मूड्स आर देयर एंड द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल मूड्स एंड एटीट्यूड मेक अ पर्सनैलिटी नो no. तो इसी बात को जब हम आगे लेकर जाते हैं मॉडल्स को हमने देखा कि मॉडल्स आर वर्ब्स जो क्या करते हैं टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस करते हैं द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर स्पीकर का मूड और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है दोज वर्ब्स आर कॉल्ड द मोडल्स मोडल ऑक्सिलरीज वो हमेशा ऑक्सिलरी बनकर आते हैं main verb को कर आते हैं। हमने देखा है वर्ब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब जिसको हम हमारे सिंपल लैंग्वेज में v1 v2 v3 एंड वी फोर के तौर पर जानते हैं समझते हैं और इनके पहले जो आता है दैट इज कॉल्ड द मोडल ऑक्जलरीज तो ये मॉडल ऑक्जलरीज क्या करती है दीज मॉडल ऑक्जलरीज और वर्ब्स आर यूज टू सिक और गिव परमिशन टू सिक और टू गिव परमिशन टू मेक सजेशंस to make polite request give advice give invitations etc you know to तो आप जब इन बातों की तरफ आप देखोगे तो you will find something no in इन सब बातों की तरफ देखते हुए आपकी एक, एक बात समझ में आएगी कि मॉडल्स किसके लिए यूज किए जाते हैं परमिशन लेने देने के लिए advice लेने देने के लिए suggestions देने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए गेस करने के लिए पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए प्रॉमिस करने के लिए एंड मच मोर इज देय सो मॉडल्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन लर्निंग लैंग्वेज लैंग्वेज को लर्न करने में मॉडल्स एक बहुत ही बड़ा रोल you, uh, निभाते हैं नो दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल अ वेरी की रोल इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड टू अक्वायर competency in language as such. And very importantly, as soon as you start speaking by using these modal auxiliaries more effectively, your talk becomes very impressive. Your conversation becomes very impressive. It reflects your personality. Miss it holds. The great importance, the great significance to make you a very good communicator, a very good speaker. So, let us see which modal suggests can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought, need, and dare. अब ये सारे मॉडल्स हमें पता है नो दिस मॉडल ऑक्सिलरीज वी नो वेल लेकिन इनकी गहराइयों में जब हम जाना शुरू करते हैं व्हेन वी डेव डीपर इनटू द सी ऑफ ग्रामर नो वी फाइंड इनमरेबल पॉसिबिलिटीज ऑफ द टॉक एंड वॉट एवर दैट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड नो वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन माई माइंड एट टाइम आई एम कॉन्वर्सिंग विद पर्सन

ये दो बातें हमेशा होती है जो हमें मॉडल्स के जरिए अच्छे से करने मिलती है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और फिर इसकी जो डिटेल स्टडीज है हम कल देखेंगे मॉडल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज पहली बात देखिए आप इसको परमिशन लेने के लिए टू सिक परमिशन मे कैन एंड कूड का इस्तेमाल किया जाता है यू नो टू सिक परमिशन तीन मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है वन इज मे अनदर इज कैन एंड थर्ड वन इज कुट तो ऐसा क्यों है कि हम uh, मे का इस्तेमाल अलग से करते हैं कैन का इस्तेमाल करते हैं और कूट का इस्तेमाल करते हैं क्यों नहीं हम सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में से एक का इस्तेमाल करें तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों ऐसा क्यों नहीं होता है बिकॉज मे इज टेकन एज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर्मल परमिशन सिकिंग यू नो वाइल कैन इज फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल एंड कूड इज वेरी पोलाइट तीनों का अपना एक मिजाज है तीनों का क्या मिजाज है मे इज वेरी फॉर्मल सो so, मै कम इन सॉ जब कोई प्रिंसिपल के बिन में चला जाता है तो कैसे होता है मै कम इन सॉ टू द सुपीरियर्स टू अवर सुपीरियर्स वॉट हाउ डू वी सेमिन सी गोद मे वी टेकलीव सिस वे थिंग्स आर आस्ट कैन इज फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल दो दोस्तों के साथ नो no, वि करते हैं वो नो कैन आई गो दिस और कुड इज वेरी पोलाइट दैट कूड यू टेल मी दू द रेलवे स्टेशन प्लीज नो ये कहने का अपना एक तरीका है ये बहुत खूबसूरत चीज क्यों है क्योंकि मॉडल ऑग्जलरीज में जब हम बात करते हैं नो सो उस बात में अपना एक एटीट्यूड झलकता है एक पर्सनैलिटी झलकती है कैरेक्टर झलकता है नो और लैंग्वेज में नो काइंड ऑफ फॉर्मल में वी टॉक वेरी फॉर्मल, वेरी कोल्ड फ्रेंडली में हम थोड़े अलग होते हैं और पोलाइट में हम थोड़े अलग होते हैं तो तीनों ऑल थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट ऑल थ्री थिंग्स आर द फैसिट्स ऑफ पर्सनैलिटी समटाइम्स वी मस्ट बी वेरी फॉर्मल हर जगह पर हम फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं हर जगह पर हम नाच कूद नहीं सकते हैं हर जगह पर हम हाय हेलो नहीं कर सकते नो फॉर एग्जांपल टू माय प्रिंसिपल आई कैन नॉट से हाय सर नो आई कैन नॉट से इवन दो इट इज देयर इन मी मुझे मैं मुझे पता है मैं जानता हूं इसके बाद में मेरे प्रिंसिपल को मेरे सीनियर्स को मेरे एच को मेरे बॉस को मैं हाई हेलो नहीं कर सकता हूँ आई मस्ट बी वेरी पोलाइट टू देम आई मस्ट बी वेरी फॉर्मल टू देम यू नो एक समझ है भाषा एक समझ का नाम है एक सूझबूझ का नाम है अकल होशारी का, होशियारी का नाम है कॉमन सेंस का नाम है तो हाउ डू आई डील विद माई सीनियर्स माई प्रिंसिपल्स माई एच ओ डी माई बॉस और सम अथॉरिटीज एज सच एंड हाउ डू आई टॉक विद माई फ्रेंड्स माई फैमिली मेंबर्स वो अलग चीज है एंड टू द स्ट्रेंजर्स आई मस्ट बी पोलाइट और जो स्ट्रेंजर्स से उनके साथ मुझे फ्लाइट रहना चाहिए नो, सो दिस इज़ वॉट थ्री एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं मिस्टर गुप्ता उनके बॉस से कहते हैं आई हैव टू कॉल द रिजर्वेशन ऑफिस टू बुक अ सीट मिस्टर गुप्ता कह रहे हैं उनके बॉस को स आई हैव टू कॉल द रिजर्वेशन ऑफिस टू बुक अ सीट मै यूज़ द फ़ोन प्लीज़ उनके ऑफिस में फ़ोन है बॉस के टेबल पर फोन पड़ा हुआ है एंड देन मिस्टर गुप्ता अपने बॉस से पूछ रहे हैं भाई कि आई हैव टू कॉल द रिजर्वेशन ऑफिस टू बुक द टिकट उनको कहीं जाना है और रिजर्वेशन ऑफिस में मुझे बुक करना है टिकट तो उसके बाद उनका कैसा बोलना आ रहा है मैं यूज द फोन प्लीज देखो हम फर्क नहीं करते हमको लगता है कैन भी यूज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा कुड भी यूज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा नहीं फर्क पड़ता है मैं यूज द फोन प्लीज सिंपल मे आई यूज द फोन प्लीज तो इसका एक असर होता है नो जब आप बात करते हो तो इसका एक इफेक्ट सामने वाले पर जाता है एंड अकॉर्डिंगली कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है अच्छा कम्युनिकेशन हो पाता है अच्छा संवाद दो लोगों के बीच में हो सकता है सो व्हाट इज दैट मिस्टर गुप्ता उनके बॉस से कह रहे हैं आई हैव टू कॉल टू द आई कॉल द रिजर्वेशन ऑफिस टू बुक द सीट मै आई यूज द फोन प्लीज और दूसरी बात है नेहा है यहाँ पर जो उनकी मॉम से बात कर रही हैं

सपोज किसी की ममा अगर ऑफिसर हैं प्रिंसिपल है यू you नो know, आई एस ऑफिसर है कोई बड़े अथॉरिटी है उसके बाद भी मॉम के साथ बात करने में क्या होता है एक अपनापन होता है इनफॉर्मैलिटी होती है सो नेहा इज सेंग टू हर मॉम दैट कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट इस तरीके से जाएगी यू नो कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट ऐसे नहीं जाएगी नो you know? जैसे मै आई यूज़ द फ़ोन प्लीज़ यह अलग है इसका टोन अलग है इसकी बात करने का तरीका अलग है मै आई यूज़ योर फोन प्लीज़ तो शी विल नॉट से कैन यू गिव मी समथिंग टू इट प्लीज तो उसकी माँ बोलेगी कि नेहा के दिमाग में शायद कोई परिणाम हो चुका है बुरा वाला और फिर तीसरा सेंटेंस है शैलेश अपने स्ट्रेंजर से पूछ रहा है कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन प्लीज कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन प्लीज कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन प्लीज कुड यू नो इट्स वेरी फॉर्मल एंड सो वेरी पोलाइट मस्ट बी पोलाइट एंड फॉर मेकिंग द पोलाइट रिक्वेस्ट कूड इज यूज हर नो इस तरीके से हम मे को देखते हैं कैन को देखते हैं कूड को देखते हैं लेकिन हम ये कूड थोड़ा डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर आइज आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी तौर पर मैंने इस वीडियो को बनाया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में लिखे कॉमेंट करें आप जरूर लिखें और बताएं कि वॉट एल्स यू वॉन्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अवर चैनल और जरूर इसे अपने दोस्तों में शेयर करें छोटे बच्चों में शेयर करें स्कूल कॉलेज के बच्चों में भी शेयर करें इट इज़ नॉट ओनली फॉर द यू स्टूडेंट्स यू के बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है लेकिन अलॉन्ग विद दिस एग्जामिनेशन नो दिस थिंग्स कैन ऑल्सो भी हेल्पफुल टू वन एंड ऑल मीन प्राइमरी सेक्शन से लेके तो पीजी तक इसका, इसका इस्तेमाल हो सकता है और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलते विश यू गुड लक फॉर योर स्टडीज। कीप स्टडीइंग